मैं डॉक्टर सीएल महावर आज एमए फाइनल की छात्राओं को तुलसीदास जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। तुलसीदास जी का जन्म सम्मत 1554 में हुआ था। इनके माता पिता एवं गुरु के बारे में आपको बता रहा हूँ। माता का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम और इनके गुरु थे नरहरि। इनका विवाह हुआ सम्मत 1583 में। इनकी पत्नी का नाम तुलसी था। कहते हैं कि बचपन में ही इनके माता पिता ने इन्हें मंदिर में रख कर के आगे थे और मंदिर के अंदर से इनके गुरु नरहरि ने इन्हें अपने पास रखा, इनका लालन पालन किया और वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और वहीं पे पले बड़े हुए और वहीं से इनका विवाह रत्नावली के साथ में हुआ और इनका दाम्पत्य जीवन अधिक लंबा समय न रह करके कुछ ही दिनों महीनों का रहा या कहें कि सालों का रहा और पत्नी से इनका मोह भंग हुआ और भगवान श्री राम की शरण में चले गए, अर्थात राम भक्ति में लीन हो गए और राम की आराध्य मान करके राम को आराध्य मान करके राम की भक्ति में तल्लीन होकर के उनकी पूजा पाठ पूजा अर्चना करने लगे और वहीं पर रहकर इन्होंने अपनी काव्य रचनाएँ की। इनकी काव्य रचनाएँ निम्न प्रकार से हैं। तुलसीदास की रचनाओं में सबसे पहले देखा जाए तो उनका सर्वश्रेष्ठ जो काव्य हैं जिसे कि महाकाव्य कहते हैं रामचरितमानस था, जिसकी संरचना सम्मत 1631 में इन्होंने की थी। उसके बाद में रामलला नाचू इनकी अच्छी रचना थी, वैराग्य संदीपन इनकी अच्छी रचना थी, बरबे रामायण भी इनकी बहुत अच्छी रचना थी, पार्वती मंगल इनकी बहुत अच्छी रचना थी, जानकी मंगल भी इनकी बहुत अच्छी रचनाएं थी, रामाज्ञ भी इनकी बहुत अच्छी रचना थी, कवितावली इनकी बहुत अच्छी कवि रचनाएं थी, गीतावली इनकी बहुत अच्छी थी, कृष्ण गीतावली भी बहुत अच्छी थी, विनय पत्रिका थी जो कि भगवान कृष्ण के भगवान श्री राम के भगवान श्री राम को अपना दास मानते हुए उनसे विनय की थी। यह है विनय पत्रिका, उनकी एक विनय के रूप में आग्रह के रूप में लिखी गई थी और अंतिम रचना थी इनकी दोहावली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास राम काव्य के राम भक्ति के राम जो एक धारा थी राम श्री शाखा उसके सर्वश्रेष्ठ संत महात्मा थे और राम के चरित्र के बारे में राम को अपना आराध्य मान करके राम की भक्ति में लीन हो करके राम से संबंधित राम के जिसे कहें कि बाल्यावस्था से रह करके और उनकी चरमावस्था तक यानी रामायण के जब बात करते हैं तो उन्होंने राम का राज्याभिषेक के बाद में 14 वर्ष का वनवास के बाद में जो कि राम ने अपने राज्य को स्थापित किया था जो इसे कहें कि राम राज्य। अगर राज्य की जब बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ राज्य राम राज्य था। कहते हैं कि राम का जो राज्य था उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, चारों ओर अमन चैन था और किसी प्रकार से कोई दुख नहीं था जीव जंतु तक। तो हर किसी के चेहरे पर हर किसी की जबान पर आज भी हम बात करते हैं कल्पना करते हैं अक किसी भी राष्ट्र का किसी भी देश का राज्य कैसा हो तो हर हिंदुस्तानी के मुंह पर एक ही शब्द आता है, वो आता है रामराज्य। रामराज्य से मतलब है कि जिस राज्य के अंदर सारी जनता सुख
चैन से हो, सभी को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो और सब प्रकार से अपने आप को यह महसूस करें कि मैं सुख हूँ, सुख से रहता हूँ, परिवार सुख से रहता है और मेरा राजा है, सबका ध्यान रखता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का वह अच्छे से ध्यान रख करके अपनी सारी जनता को अपने एक परिवार के रूप में देखता है, उसके सुख दुख का ध्यान रखता है और उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। तो जनता का भी ये दायित्व बनता है कि वह भी राजा को अपने ईमानदारी से जो कार्य बनते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह पूरा करें। तो ऐसे राम राज्य की स्थापना राम के समय हुई थी और वह राम राज्य एक सुखमय जीवन का प्रतीक था और सब जगह, हर जगह हिंदुस्तानी में जब बात आते हैं तो हम राम राज्य की बात आते हैं। तो ऐसे तुलसीदास ने राम के चरित्र के बारे में, ऐसे राज्य के बारे में कल्पना करके रामचरितमानस की संरचना की, जो कि हिंदू महाकाव्य में रामचरितमानस महाकाव्य का रूप लिए हुए हैं और सब उसके और देखते हैं कि राम का जो राज्य था वो श्रेष्ठ राज्य था। और इसी प्रकार से अगर किसी भी देश का राज्य हो तो राम राज्य जैसा हो। धन्यवाद।